अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। केरला में इंतकामी कत्ल का दौर जारी हो चुका है। एसडीपीआई के जुबैर का आरएसएस की जानिब से कत्ल करने की बात कही जा रही थी, लिहाजा इसी के बदले की बात कहते हुए आरएसएस के एक कारकुन के कत्ल की वारदात आज पेश आई है। एसडीपीआई के जुबैर का आरएसएस की जानिब से कत्ल करने की बात कही जा रही थी। वाजह रहे जुबैर जुमा की नमाज अदा कर घर लौट रहे थे, उस वक्त कार से ठोकर मार गिराया गया। इसके बाद बेरहमी से तेज हथियारों से हमला कर कत्ल कर दिया गया। शदीद जख्मी जुबैर को अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन इनका इंतकाल हो गया। केरला के पलक्कड़ में वारदात पेश आई। पूरा देश अब मजहबी तशद्दुद की लपेटों में झुलसता दिखाई दे रहा है। रोजाना हर लम्हा हिंदू मुसलमान मंजर देखने को मिल रहा है। हाल ही में खरगांव मध्य प्रदेश में हो या फिर राजस्थान करौली में हो, मुनज्जम साजिश के साथ मुस्लिम मोहल्लों में जानबूझकर रामनवमी का जुलूस ले जाया गया और खुद ही पथराव कर मस्जिदों से पत्थर आने की बात कही गई और फसाद बरपा कर दिया गया। अब संविधान कानून इंसाफ के मायने भी बदलने लगे। वैसे तो अक्सर मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर घुमाकर शिवराज हुकूमत ने खुद संविधान मुखालिफ होने की दलील तो दे ही दी है, लेकिन 3 ऐसे मकानों पर बुलडोजर घुमाकर दुनिया भर में फजीहत की नौबत भी एमपी की हुकूमत पर आई है। वैसे भी एमपी अजब है कहा जाता है, लेकिन मामला अब इससे भी आगे बढ़ते हुए 3 ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया जिसमें 3 मुस्लिम नौजवान पहले से ही जेल में मौजूद थे। इनको भी रामनवमी के फसाद में मोटरसाइकिल चलाने का इल्जाम लगाया गया, जबकि शहबाज फकरू और रऊफ पहले से ही कत्ल की साजिश के मामले में जेल में 1 महीने से बंद थे। लेकिन पुलिस की कहानी भी अजीब है। इनके मुताबिक 10 तारीख को रामनवमी के जुलूस पर जो हमला हुआ, इनमें ये तीनों शरीक थे। लिहाजा इस मामले को लेकर शिवराज हुकूमत कटघरे में खड़ी तो नजर आ रही है, लेकिन पूरे मुल्क में एक नई तस्वीर, नया भारत देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों पर जो जितना ज्यादा जुल्म करता है उतना ही बड़ा लीडर बनता दिखाई दे रहा है। अब हर तरफ मुकाबला लगा हुआ है कि कौन कितना मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म दाता है, या फिर शिवराज की एमपी हुकूमत, या फिर कर्नाटक की बम्बई हुकूमत, या फिर यूपी की योगी हुकूमत। आज भी खरगांव या करौली दोनों तरफ भी कुछ ठीक नहीं रहा। मुसलमानों को आज भी डर खौफ के साए में जीना पड़ रहा है। अब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का मुकाबला लगा हुआ है, कभी योगी तो कभी शिवराज हुकूमत की जानिब से। किसी अदालत किसी मुकदमे की सुनवाई के बगैर फैसले लिए जा रहे। फसादियों के नाम, फसादियों के चेहरे हुकूमत खुद ही पहचान कर इन पर कार्रवाई करने का गोया सिलसिला जारी हुआ है। करौली में जहां मुसलमानों के बाजार को ही नजरअंदाज किया गया, वहीं आज और मुस्लिम दुकानों को जलाने की खबर हासिल हुई है। वहीं खरगांव में मस्जिद में मूर्तियां रखने की खबर हासिल हुई है। मस्जिद में मूर्तियां रखने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से खरगांव के सराफा बाजार की धान मंडी मस्जिद में मूर्तियों को रख कर पूजा पाठ की गई, ऐसी खबर हासिल हुई है। भाजपा और हिंदुत्ववादियों की सारी कोशिशें मुसलमानों को हुकूक से महरूम करने की है। इसी कड़ी में तरह तरह से मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है। मस्जिदों के सामने तश्वीशनाक गीतों के साथ हंगामा करना, हाथों में तलवारें लहराते हुए भड़काऊ नारे लगाना, मुखालिफत करने पर हिंसा यानी कि तशद्दुद को कायम करना और फिर कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर चलाना, यह सब इस बात की दलील है कि भाजपा इख्तदार रियासतों में दूसरा संविधान लागू हो चुका है। वह संविधान संसद से मंजूर नहीं किया गया, वह हिंदू राष्ट्र का अपना संविधान है। उस संविधान में मजहबी अकलियतों के पास शरीयत के हुकूक नहीं है। खरगोन की कार्रवाई इसी पर मोहर लगाती है। भाजपा की यही खासियत है कि उसने बिना घोषित किए यानी कि बिना ऐलान किए इस देश में दूसरा संविधान यानी कि दूसरा आईन लागू कर दिया है। और लोकतंत्र के रक्षक और मुहाफिज ट्वीट कर संविधान लोकतंत्र बचाते रहे। आज बेलगाम शहर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया गया। वाज़ह है कि पिछले कुछ दिनों में भारत में और खासकर कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादियों की जानिब से तहरीक तेज करते हुए मस्जिदें, दरगाहें, इबादतगाहों पर हमला करने की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लिहाजा हिंदुत्ववादियों पर कार्रवाई की मांग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से की गई और डीसी बेलगाम को मुतालबा भी पेश किया गया। रामनवमी के मौके पर हिंदुत्ववादियों की जानिब से मस्जिदों पर भगवे परचम लहराने की बात की मजम्मत करते हुए इंतजामिया की मौजूदगी में भी फिरका परस्त बेखौफ होकर मस्जिदों के सामने नंगा नाच करते रहे, लेकिन इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। आरएसएस बजरंग दल के गुंडे मुल्क के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की आजादी को मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर हासिल किया है, लिहाजा किसी हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, ऐसा पीएफआई के हाफिज अब्दुल वाहिद ने कहा। भारत में हम इस वक्त यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान के शांति को, अमन को खराब करने की कोशिशें की जा रही है।
हिंदुस्तान के संविधान में बहुत सारी गलतियां की जा रही हैं और हिंदुस्तान के अंदर जो एकता है वो हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये रामनवमी के मौके पर ये बहुत सारे आरएसएस के और बजरंग दल के गुंडों ने हमारे इलाकों में घुसकर हमारी मस्जिदों के ऊपर अपने गुंडे किस्म के हरकतों को करने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज हमारा जमा होना ये हिंदुस्तान के इंसाफ के लिए, हिंदुस्तान के कानून की हिफाजत के लिए है। ये आरएसएस के और बजरंग दल के गुंडों ने मुसलमानों की जान माल को बहुत बर्बाद किया है, उसका इंसाफ लेने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। आरएसएस के और बजरंग दल के ये गुंडे ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने, ये हिंदुस्तान की एकता कभी नहीं टूटेगी। और ये इन दंगों से, ये प्री प्लान्ड दंगों से, ये इनके दंगे अचानक नहीं हैं, ये दंगे प्री प्लान्ड हैं। ये आरएसएस वालों ने बहुत तरीके से प्लान करके मुसलमानों को टारगेट करके ये दंगे किए हैं। इन दंगों के अंदर अक्सरियत जो नुकसान हुआ है वो मुसलमानों का हुआ है। इस मुसलमानों को नुकसान देकर ये वो बतलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की शहरियत की कोई हैसियत नहीं है, और हम उनको ये बतलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ाद हमारे सरपरस्तों ने किया है, हिंदुस्तान को आज़ाद हमारे बड़ों ने किया है, तो इसकी हिफाजत करना भी हम खूब जानते हैं। और इस हिंदुस्तान को जब हमने आज़ाद किया है, हमारी नस्लों ने आज़ाद किया है, तो हम इसको हरगिज़ हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। आज बेलगाम में साबिक आईपीएस अफसर भास्कर राव ने साफियों से मुखातिब होते हुए भाजपा की रिश्वतखोर सरकार पर सवाल उठाते हुए भाजपा वजीरों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वाजह रहे कि भास्कर राव हाल ही में आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार किए हुए हैं और इसी पस मंजर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। आज कई सारे लोगों ने भी आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। भाजपा हुकूमत को निशाना साधते हुए भास्कर राव ने कहा कि संतोष पाटिल की मौत भाजपा की रिश्वतखोरी ने ली है, भाजपा के अक्सर वजीर इस लानत में मुलविस होने की भी बात कही। इस वक्त आम आदमी पार्टी के जोनल सेक्रेटरी अजय टोपनवर और दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उज्जवल नगर पहुंचकर तस्बीह नदाफ और आम आदमी पार्टी के कारकुनान से मुलाकात की। मस्जिद सुमैया के जिम्मेदारान ने इनकी गुलपोशी, इसके बाद दरबार गली पहुंचकर दावत इफ्तार में शिरकत फरमाई। यहां पर भी कसीर तादाद में लोग शरीक रहे। मैं अप्रैल 4 तारीख को आम आदमी पार्टी में दाखिल हुआ दिल्ली में, श्री अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के सामने। और ये मेरा कॉन्शियस डिसीशन था कि मुझे इसी पार्टी में दाखिल होना है, कांग्रेस में भी नहीं, बीजेपी में भी नहीं। इसका वजह यह है कि ये जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, ये बहुत वजनदार पार्टी है, इनके पास इतना बोझ और वजन है जिसको उठा के मैं नहीं चल सकता, क्योंकि कुछ भी बोलने से वो एक दूसरे को की और उंगली दिखाते हैं कि आपने नहीं किया, क्या आपने नहीं किया करके। इस वास्ते अरविंद केजरीवाल जी का काम से मैं बहुत प्रभावित होके पिछले 4-5 साल से उनके साथ मैं टच में हूँ, और आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। और वहाँ ज्वाइन करके बेंगलोर आने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करो, और स्टेट का पूरा दौरा करके लोगों से मिलके जो खड़े लोग जो चुनाव में खड़े होने वाले हैं उनकी तैयारी करो। सो इसी कारण मैं अभी पिछले 4 दिनों से चित्रदुर्गा, कोप्पड़, ये अपना विजयनगर, और उसके बाद बागलकोट, बीजापुर, और आज मैं बेलगाम आया दो चीज़ों के लिए। एक जो है हमारे मेम्बरांस को ज़्यादा करने के लिए, लोगों की संख्या ज़्यादा करने के लिए पहला, और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। अभी जिले तक तो हम रह हैं लोग, बाकी नीचे भी हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। अब 4 जिले की जिम्मेवारी राजीव टोपनवर ने लिया है, उसके बाद में बेलगाम जिले की जिम्मेवारी इन्होंने ले रखी है। उनके उनके लिए भी बहुत बड़ा जगह है, क्योंकि 18 MLA यहाँ पर यहाँ, और
सबसे अहम बात क्या है कि लोग तैयार हो चुके हैं हमको समर्थन देने के लिए, हम अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए मैं जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दौरे के अनुसार अच्छे अच्छे लोगों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं तो ओपनली लोगों को बोल चुका हूँ कि अगर आप ये बड़े पार्टियों में ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सालों साल आप अपने जूते और चप्पल घिस रहे हैं और आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप हमारे पास में आइए, हमारा मंच आपके लिए तैयार है, आपको हम मौका देंगे। एक दूसरी बात, औरतों को और ख़ास करके नौजवानों को पूरा मौका दिया जाएगा हमारे पार्टी के मंच पर आके अपने ताकत दिखाकर या लोगों के बीच में उनका क्या एक्सेप्टेंस है वो। और तीसरा, हम फिरका परस्ती धर्म जात पात वगैरह हम देखने वाले नहीं हैं, हम केवल काम काम और काम। और अरविंद केजरीवाल जी जो सेहत तालीम और लोगों के ट्रांसपोर्ट और जहाँ तक हो सके वहाँ हमारे तालाबों की रक्षा हो या किसानों की रक्षा हो या दलितों की हो, इस चीज़ में जो उन्होंने प्लान बना कर रखा है वो हम यहाँ डाले। हमारा कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं है, बहुत सिंपल मॉडल है, ईमानदारी से और नीयत से काम करना। और किसी हमारा ये ठोस विचार है कि किसी भी सरकार के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। और जो भी काम दिल्ली सरकार में हुई है आज पिछले 7 साल से, किसी भी तरह का इल्ज़ाम करप्शन का कहीं नहीं आया है, बेईमानी का कहीं नहीं आया है कि इन्होंने, या घुसखोरी का कहीं भी नहीं आया है। मैं तो आपके सामने आ ही जाता, हालांकि दिल्ली में आपकी CBI, ED सब बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री खुद बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री की ऑफिस बैठी हुई है। तो उन्होंने एक अच्छी साफ सुथरी सरकार बना के सभी लोगों को दिया है। तो वैसी ही एक सरकार को कर्नाटक तक लाने के लिए हमारी ये कोशिश रहेगी। और इस कारण पूरा मैं संगठन तैयार कर रहा हूँ एंड लोग तैयार हो चुके हैं, हम संगठन को तैयार कर रहे हैं बस। और ठीक है, लास्ट बात एक और आप बोल देता हूँ कि इतनी जो चीज़ें मुफ्त में जी जो दी जा रही है दिल्ली में, लोग कह रहे हैं कि आप मुफ्त में देके आप सरकार को गिरा दोगे या आपके पैसे खर्च करने के तरीके ठीक नहीं है, आप ये जो है लोगों को खुश करने के चक्कर में हो। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि दिल्ली सरकार जो है पिछले 7 साल में टैक्स बढ़ा ही नहीं है, टैक्स बढ़ा ही नहीं है, हालांकि हमारे सरकार जो है हर एक साल टैक्स बढ़ाती हुई है। सब जगह चप्पलों पर टैक्स है, कपड़ों पर टैक्स है, यहाँ तक कि आपको बनियान और जांघिया पर भी टैक्स है यहाँ पर। लेकिन दिल्ली सरकार जो है किसी भी टैक्स को ज़्यादा अभी तक नहीं किया है। और उससे भी अहम बात क्या है कि कर्जा नहीं लिया है कर्नाटक सरकार, जो 7.5 लाख करोड़ कर्नाटक सरकार का कर्ज है, और इस साल भी कर्ज में कर्नाटक सरकार डूबा हुआ है। तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक मॉडल भी ठीक नहीं है। तो हानि क्या है, अगर गरीब को कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है तो हम किसी से कर्ज लेके नहीं दे रहे हैं या कहीं के टैक्स लेके ज़्यादा नहीं दे रहे हैं? गरीब को अपने पैसे के अनुसार उसको मिल रहा है, उसको अच्छी स्कूल मिल रही है उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है और ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, अच्छी काम चल रही है। संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 131वीं यौम पैदाइश RPI यानी कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर की जानिब से बेलगाम जिला सदर सुलेमान जमादार की सदारत में कामयाब इजलास का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर साबिक MLA जनाब फिरोज सेठ साहब, सदर अंजुमन राजू सेठ साहब, मार्केट पुलिस थाने के CPI मल्लिकार्जुन तुलसीगिरी और दिगर जिम्मेदारान खवातीन हाजरात शरीक रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कुछ लोग तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत एक सेक्युलर मुल्क है और इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा तमाम रिपब्लिक पार्टी अम्बेडकर की जानिब से कहा गया। आज फिर से बेलगाम शहर में धुआंधार बारिश का नजारा देखने को मिला। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर सड़क पर पानी को बहते देखा जा रहा था। येड्रप्पा सड़क पर जमा पानी का एक मंजर आप भी देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।